हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की गणित की एक नए अध्याय की, जो कि नया अध्याय है प्रश्नावली 9.1। प्यारे बच्चों ये केवल ओनली एक अध्याय ही है, आज एक ही क्लास में पूरी प्रश्नावली 9.1 हम लोग समाप्त कर लेंगे। प्यारे बच्चों यदि आपने प्रश्नावली 8 पढ़ा होगा त्रिकोणमिति, तो आज हम देखेंगे इस वाले क्लास में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहां पर किया जाता है। प्यारे बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां से आपके बोर्ड में पक्का है कि एक अच्छा सा बढ़िया सा लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले रहेंगे हम उसी समय बताते वक्त आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन यहां से इतना इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा। प्यारे बच्चों क्या दिख रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक, जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों सबसे पहला सवाल है और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, वो बोला कि एक भूमि पर खंभा खड़ा हुआ है। मान लेते हैं कि भूमि पर ये कोई खंभा खड़ा है, ठीक, मान लेते हैं कि भूमि पर ये कोई खंभा है, ठीक, जिसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं। प्यारे बच्चों एच मान लेते हैं, जिसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, खंभे की ऊंचाई क्या है, एच है। अब इससे एक रस्सी बंधी हुई है, इससे एक रस्सी बंधी हुई है यहाँ भूमि खंभे की उच्च बिंदु से लेकर भूमि के नीचे वाले बिंदु तक, यहाँ पर एक रस्सी बंधी है जिसकी लंबाई दी गई है 20 मीटर। प्यारे बच्चों ये रस्सी की लंबाई 20 मीटर और रस्सी बिल्कुल तनी हुई है, रस्सी जरा सा भी ढील नहीं है। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो रस्सी है वो इसके साथ शिखर के साथ 30 अंश का कितना बनाता है, कोण बनाता है। प्यारे बच्चों अब यहां पर 30 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है, अगर नाम दे दें ए बी सी। अब आपसे कह रहा है कि आप जो है बताइए कि खंभे की ऊंचाई कितनी है, आपको बताना है खंभे की ऊंचाई कितनी है। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं, माना खंभे की ऊंचाई कितनी है, एच, माना खंभे की ऊंचाई एच है, माना खंभे की ऊंचाई कितनी है, एच। अब आप सोचो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। आपको कर्ण पता है और लंब ज्ञात करना, तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमिति के अनुपात में आता है। प्यारे बच्चों साइन थीटा, हमने पढ़ा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, लंब कौन है, लंब आपका ए बी है, लंब कौन है ए बी है, और कर्ण कौन है, कर्ण है आपका ए सी, ठीक। वैल्यू रखते हैं, यहां थीटा के स्थान पे कितना है 30 है, तो साइन 30 अंश हो जाएगा। अब लंब ए बी, ए बी कितना है, एच है, और कर्ण कितना है 20 है, ठीक। क्रॉस मल्ट साइन 30 अंश का मान 1/2 है और यहाँ एच बटे 20, 2×1=20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच का गुणा एक्स करेंगे तो एक आएगा 10×1=10। तो जो खंभे की ऊंचाई है प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। ये आपका फर्स्ट प्रश्न रहा, उम्मीद है कि आपको फर्स्ट नंबर सवाल समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों ऐसे ही आगे की भी सवाल आपको समझ में आएंगे। प्रश्न नंबर 2 भी आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा, वो क्या करा आप उसे देखिएगा, क्या करा, आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आधी आने से एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर, पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब पेड़ का जड़ जहाँ है,
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहां 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है और बिल्कुल हम लोग इसको आसान तरीके से लगाएंगे भी। आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जो चीज वो कह रहा है वो ध्यान देना है। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि पेड़, कोई पेड़ है, ध्यान से देखिए। ऐसे पहले हम क्या बनाते हैं कि एक क्या बना लेते हैं, पेड़ बना लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि प्यारे बच्चों ये कोई जो पेड़ था, अब इस पेड़ के पेड़ दिखाना है, तो पेड़ दिखाने के लिए प्यारे बच्चों हम लोगों ने कुछ ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई कोई ना कोई क्या था, पेड़ था, ठीक, ये कोई पेड़ था, ठीक। अब ये पेड़ जो है टूटता है और टूटने के बाद ये जो पेड़ का शिखर है वो भूमि के पाद बिंदु को छूने लगता है। तो मान लेते हैं ये कोई भूमि होगी, ठीक। अब ये पेड़ यहाँ से टूटा और कहाँ से टूटा प्यारे बच्चों, जहाँ से, ये देखिए, एक मिनट ध्यान से देखिए गाइस, ये यहाँ से टूटा और यहाँ से ये पेड़ टूटा और ये पेड़ टूट कर यहाँ भूमि के शिखर को छू, यहाँ भूमि के पाद बिंदु को छूने लगा, समझ रहे हैं। यानी प्यारे बच्चों ये जो पेड़ का शिखर है, ये पेड़ का शिखर टूटकर यहाँ पर आके गिर गया, ठीक, बात समझे। यानी सोचिए कि अगर हम पेड़ की ऊंचाई टोटल मान ले, पेड़ की ऊंचाई क्या है, एच है, मान लेते हैं पूरे पेड़ की ऊंचाई जो है वो कितनी है, एच है। तो ये चीज लिख देते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई एच, पेड़ की ऊंचाई कितनी, एच है, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं कि जो ये पेड़ की ऊंचाई है ये एक्स भाग टूटा है, यहां से लेके जहां तक टूटा है प्यारे बच्चों, अगर नाम देना चाहे तो ए बी सी और ये इसका नाम दे देते हैं डी, तो जहां से पेड़ टूटा है उतनी भाग, पेड़ का एक्स भाग टूटकर भूमि के पाद बिंदु को छू रहा था, तो यही तो टूटा हुआ भाग होगा प्यारे बच्चों, यही टूटकर यहां पर टच किया है, तो इसे हमने एक्स मान लिया जो कि एक्स ऊपर माने थे, तो ये भी लिख देते हैं। तो माना पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा भाग क्या है, एक्स मीटर है। अब समझिए, अब हमको दिया क्या है कि यहां पर जो ये पेड़ का जो शिखर है वो भूमि के पाद बिंदु से 30 अंश का क्या बनाता है, एंगल बनाता है, क्या बनाता है प्यारे बच्चों, 30 अंश का एंगल बनाता है। अब आप देखिए, जब यहां पर ये 30 अंश का एंगल बना रहा है तो सोचिए जरा सा, और एक बात और कहा है कि जो ये पेड़ है यहां पर टच किया है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 8 मीटर दिया है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर। अब आपको प्यारे बच्चों पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पेड़ की ऊंचाई तब मिलेगी जब आपको ये वाला साइड पता हो जाए और ये वाला, क्योंकि ये वाला इसके इक्वल है, यानी मिला जुला के आपको ये भी ज्ञात करना और ये भी ज्ञात करना, तभी पेड़ की ऊंचाई मिल पाएगी प्यारे बच्चों। अगर मैं आपको कहूं कि एक समय के लिए वाई है, क्या है, यहां से लेके यहां तक का जो भाग है वो क्या है, वाई, तो जो पेड़ की ऊंचाई होगी वो h, वो x प्लस y के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना लो बस। अब आओ हम लोग आराम से हल करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, आप सबसे पहले x निकालिए, क्या निकालिए, x निकालिए, या तो सबसे पहले आप y निकालिए, किसी भी एक को निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखिए, अब ये आपका कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार होता है, लंब और आधार किस में आते हैं प्यारे बच्चों, टैन थीटा में, तो क्या हो जाएगा, टैन 30 हो जाएगा, बराबर लंब, लंब कितना है प्यारे बच्चों, वाई है, लंब कितना है, बीसी है, लंब कितना है प्यारे बच्चों, बीसी, तो बीसी और बटे, सॉरी गलत हो रहा है यहाँ पर, तो बीसी और बटे आधार, आधार कौन है, ए बी है। अब देखिए, बीसी की वैल्यू, बी से लेके सी की वैल्यू जो है वाई है, और ए से लेके बी की दूरी कितनी है, 8 है, ठीक। अब इसका मान होता है 1/3 और ये वाई बटे 8,
तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट तीन का गुणा यहाँ से कर देंगे तो अंडर रूट तीन वाई बराबर आठ। ठीक, अगर अंडर रूट तीन को इधर कर दें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों आठ कड़ी में तीन। ठीक, आठ कड़ी में तीन। आज ये यहाँ देखें, अब देखिए y की वैल्यू आठ कड़ी में तीन आई, यहां से परमेयीकरण कर रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं? परमेयीकरण। परमेयीकरण करने पर, क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान देखिएगा बटे में जो है अंडर रूट आ रहा है, इसलिए हम लोग परमेयीकरण करेंगे। तो परमेयीकरण करेंगे तो y बराबर है आठ बटे कड़ी में तीन। तो जो परमेयीकरण करते समय इस बात को ध्यान देना, हर में जो संख्या रहती है उसी से गुणा और उसी से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो आठ का गुणा कड़ी तीन से करेंगे तो आठ कड़ी में तीन आ जाएगा, और इनका गुणा इनसे कर देंगे तो केवल तीन आ जाएगा। ये प्यारे बच्चों वाई की वैल्यू आई, ये वाई की वैल्यू आई। अब आपको एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक्स। एक्स जो है कण है और ये क्या है आपका आधार है। तो आधार और कण किसमें आते हैं प्यारे बच्चों? देखिए आधार और कण किसमें आता है? कॉस में। किसमें आता है? कॉस में। तो हम कॉस की वैल्यू रखेंगे तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार यहां कौन है? एबी है, और कर्ण कौन है? एसी है। तो एबी बटे कितना आ जाएगा? एसी। अब यहां थीटा कितना है? 30 है। तो कॉस 30 बराबर ए बी, ए बी, ए से लेके बी की दूरी कितनी प्यारे बच्चों? आठ है। और कर्ण, कर्ण कितना है? एक्स है। कॉस 30 अंश का जो मान होता है वो होता है प्यारे बच्चों, कॉस 30 अंश का जो मान होता है वो एक बटे दो होता है। कितना होता है? एक बटे दो होता है। सॉरी, कॉस 30 अंश का मान एक बटे दो नहीं बल्कि अंडर रूट तीन बटे दो होता है। कितना होता है? अंडर रूट तीन बटे दो होता है, और बराबर आठ बटे एक्स हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट तीन एक्स, और आर दूनी कितना हो जाएगा? 16। और इनको हम इधर कर दें एक्स बराबर 16 कड़ी में तीन। परमेयीकरण कर दें तो अंडर रूट तीन का गुणा अंडर रूट तीन से भाग, तो 16 का गुणा कड़ी तीन में करेंगे तो 16 कड़ी तीन आ जाएगा, और इनका गुणा यहां कर देंगे तीन आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू आई। आपको न तो एक्स ज्ञात करना, न तो वाई ज्ञात करना, आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप समीकरण एक में जाइए, और समीकरण एक से देखिए तो समीकरण एक से पेड़ की ऊंचाई h माने हैं और x प्लस वाई के बराबर है। x की वैल्यू आपने प्राप्त किया 16 कड़ी में 3 बटे 3 है, और उसका वैल्यू प्राप्त किया 8 कड़ी में 3 बटे 3 है। तो 16 8 24 क्योंकि हर बराबर हैं तो जुड़ जाएंगे 16 8 24 कड़ी में 3 और बटे कितना है प्यारे बच्चों? 3। 3 अट्ठे कितना हो जाएगा? 24। तो h की वैल्यू आ जाएगी 8 कड़ी में 3 मीटर, यानी जो पेड़ की टोटल ऊंचाई है वो 8 कड़ी में 3 मीटर है। बात समझिए आप, देखिए कितना एकदम मक्खन वाला सवाल है। एक बार आप इसका आंसर अपने आंसर शीट में जरूर मिलाइएगा। जी बिल्कुल प्यारे बच्चों, पेड़ की जो ऊंचाई है वो 8 कड़ी में 3 मीटर आया होगा। इसको कड़ी 3 की वैल्यू रखकर आप वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो आपका इस प्रकार प्रश्न नंबर एक और प्रश्न नंबर दो दोनों कंप्लीट होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर तीन की। प्रश्न नंबर तीन आपको क्या कह रहा है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, और 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी सीढ़ी, ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और 30 अंश के कोण पर झुका हो। आगे कह रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई के एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश के कोण पर झुके हो। आगे कह रहा है प्यारे बच्चों, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छा सवाल है। एक के लिए क्या करा? एक बार कंडीशन ये है कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, क्या 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, और एक बार बोला है
केस में, यहाँ अगली केस में 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए दोनों के लिए वो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। एक ठेकेदार है जो कि फिसलन पट्टी, तो प्यारे बच्चों फिसलन पट्टी वो होता है जो आप लोग बचपन में जब कहीं झूला झूलने जाते थे तो ऊपर से सला घसकते नहीं थे, सला घसकना या ऐसे नुमा होता है। देखो प्यारे बच्चों फिसलन पट्टी पहला, जब वो 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए बनाना चाहता था तो जो फिसलन पट्टी की ऊपर ऊंचाई है उसकी कितनी है 1.5 मीटर रखना चाह रहा, कि जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए है। प्यारे बच्चों अब जो इसकी फिसलन पट्टी है वो खंभे के साथ, इस खंभे के साथ 30 अंश का एंगल बनाई है, ठीक ध्यान से देखिएगा। अब हम नाम दे देते हैं PQR ये, और उसके बाद करा कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी आप लंबाई बताओ। तो 5 वर्ष वाले से कम के लिए मैंने मान लिया भाई फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है x है, बात समझे आप। और सेम इधर बनाना चाह रहा परंतु इस बार क्या करा कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए जो फिसलन पट्टी की खंभे की जो ऊंचाई है वो इस बार 3 मीटर रखे हैं, क्या कर रहे हैं 3 मीटर रखे हैं, और जो फिसलन पट्टी है वो कितने अंश का एंगल बना रहा है 60 अंश का, कितने अंश का एंगल बना रहा है 60 अंश का एंगल बना रहा है। अब बोल रहा है कि आप इस फिसलन पट्टी की लंबाई बताओ, इसकी लंबाई मान लेते हैं प्यारे बच्चों वाई, इसकी लंबाई क्या मान लेते वाई। इस बात को आपको ध्यान देना, एक बार 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, एक बार 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। तो मान लेते हैं, माना 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई एक्स है और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई वाई है। पहले बस इतना मानना है आपको, एग्जाम में सेम ऐसे लिखना है। माना 5 वर्ष से कम उम्र वाले की, कम उम्र वाले के लिए बने फिसलन पट्टी की लंबाई एक्स, लंबाई कितनी है एक्स है, ठीक यही सेम प्रोसेस यहां करना है। माना 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई y, क्या प्यारे बच्चों फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितना है y, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होता है, लंबाई x हो गया, वहाँ लंबाई कितना हो गया y हो गया। अब हम त्रिभुज PQR की बात करते, देखो सोचो जरा सा प्यारे बच्चों, ये लंब है ये कण है, लंब और कण किस में आता है साइन थीटा, तो हम साइन थीटा का उपयोग कर लेंगे। तो त्रिभुज PQR में साइन थीटा बराबर लंब कौन है भैया, लंब बटे कण। बार बार फार्मूला इसलिए लिखता हूँ प्यारे बच्चे जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट ना हो, लंब कौन है PQ है और कर्ण कौन है PR है, सॉरी कर्ण RQ है और लंब आपका RQ है और कर्ण कौन है PR है। चलिए वैल्यू रखते हैं RQ, R से लेके Q की वैल्यू कितनी है 1.5 है और P से लेके R की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों x है। यहाँ देखिए थीटा कितना है 30, तो साइन 30 अंश बराबर 1.5/x, इसका मान 1/2 होता है 1.5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें x बराबर 1.5 × 3 होता है 3, यानी प्यारे बच्चों फिसलन पट्टी की जो लंबाई है 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, और ऐसे ही अब 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे, तो यहाँ भी लंब और कण है, तो लंब और कण का अनुपात केवल प्यारे बच्चों साइन थीटा में होता है, तो साइन 60, क्योंकि थीटा 60 है, साइन 60 बराबर लंब बटे कण, तो लंब कौन है भैया यहाँ BC है और कण कौन है प्यारे बच्चों AC है,
आइए वैल्यू रख लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होता है, और बी सी कितना है यहाँ 3 है, और ए सी आपको ज्ञात करना है, ए सी आपका कितना वाई है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 3 का गुणा वाइस करेंगे तो अंडर रूट 3 वाई, और यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, इनको इधर कर देंगे तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 6 3। यहाँ से प्यारे बच्चों परिमेयीकरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं परिमेयीकरण, तो जब आप परिमेयीकरण करोगे तो मैंने बोला कि अंडर रूट में जो भी संख्या रहती है उसी से गुणा किया जाता है, उसी से क्या किया जाता है भाग किया जाता है, तो 6 का गुणा कर ली 3 में करेंगे तो 6 3 आएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे 3 3 2 6, तो y इक्वल टू 2 3। तो प्यारे बच्चों जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2 3 आई और इनके लिए 3 आई। एक बार आप इसका आंसर जरूर मिलाइएगा, और उम्मीद है कि आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, जब बिल्कुल इसी प्रकार आपके आगे की सभी सवाल आपको समझ में आने वाला, और अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो इस सेशन को अभी दोस्तों के पास तुरंत शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। तो गाइस प्रश्न नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, करा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी आप समझिए कि ये मान लेते हैं कि ये कोई मीनार है, और मीनार से कुछ दूरी पर यानी 30 मीटर की दूरी पर ये कोई भूमि पर बिंदु है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 मीटर है। ये आपके प्रश्नानुसार कह रहा है, इस बिंदु का नाम सी दे देते हैं और इस मीनार के पाद बिंदु का नाम बी दे देते हैं। आगे कहा कह रहा है, आगे कह रहा है प्यारे बच्चों, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी यहां से देखने पर मीनार के शिखर को देखने पर यहां पर 30 अंश का उन्नयन कोण बनता है। ध्यान से समझते हैं, आगे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है h है, मीनार की ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों h है, और आपको कह रहा कि आप अंडर रूट 3 का मान 1.73 उपयोग कीजिए, न कि आप यहां पर रखकर छोड़ दीजिए, ठीक। तो आप सोचिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, सबसे पहले हमें यहां समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है प्यारे बच्चों, फिर हम बात करेंगे अभी जब अवनमन कोण की चर्चा आएगी तो वहां अवनमन कोण की भी चर्चा कर लेंगे। उन्नयन कोण ये होता है कि जब हम भूमि पर खड़े होकर किसी अपने से ऊंची वस्तु को देखते हैं, मतलब जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए आंख को उठाते हैं, आंख को ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो वहां पर उन्नयन कोण बनता है प्यारे बच्चों। अब सोचो आप यहां मीनार के भूमि के पाद बिंदु से इस मीनार को देखने के लिए आप अपने पलक यानी अपने आंख को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे ना, तो उन्नयन कोण बनता। और अवनमन कोण क्या होता है, जब किसी ऊंचे स्थान से नीचे वस्तु को देखा जाता है, जब आंख नीचे झुका के देखते हैं तो वहां अवनमन कोण क्रिएट होता है प्यारे बच्चों, इसलिए ये उन्नयन कोण है। अब मीनार की ऊंचाई, तो सबसे पहला नियम है माना, मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई कितनी h है, माना मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना है प्यारे बच्चों h है, मान लिए इतना है। अब मीनार की ऊंचाई याद करनी, तो सोचो ये लंब, ये आधार, ये लंब और आधार किस में आता है tan थीटा में, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब, लंब बटे आधार। अब यहाँ लंब कौन है प्यारे बच्चों, ए बी है, और आधार कौन है बी और सी, तो टैन थीटा, थीटा के स्थान पे 30, तो टैन क्या हो जाएगा यहाँ 30 हो जाएगा, टैन 30, और ए बी की वैल्यू कितनी है एच, और बी सी की वैल्यू कितनी है 30, ठीक। टैन 30 अंश का मान 1/3 होता है एच बटे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अंडर रूट 3 का गुणा एच से करेंगे, अंडर रूट 3 एच बराबर 30। आ जाइए इधर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, अब अंडर रूट 3 को इधर की तरफ ले जाएंगे तो एच बराबर आ जाएगा 30/3। परमेयीकरण कर देते हैं प्यारे बच्चों, परमेयीकरण करते समय जो हर में है उसी का गुणा उसी से भाग करते हैं, तो चलिए 30 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो 30 3 आएगा, और इनका गुणा करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, 3 2 कितना 30, तो प्यारे बच्चों यहाँ आ जाएगा 10 3, ये आ गया h। वो बोला था कि कड़ी 3 के स्थान पर आप 1.73 रखिए,
तो 10 गुणे 1.73, तो 10 का जैसे गुना करेंगे 0.1 अंक आगे चला जाएगा, तो 17.3 मीटर, यानी जो मीनार की ऊंचाई आएगी प्यारे बच्चों वो 17.3 मीटर होगा। इस प्रकार आपका चौथा प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 17.3 मीटर। अब आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों पांचवा प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, उसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। उससे पहले प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको ये चौथा सवाल कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहा होगा, फुल मक्खन हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पांच नंबर प्रश्न की, क्या कह रहा है स्क्रीन पे आपके दिखाई पड़ रहा है, आप वहां से देखिए फिर हम बात करते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि भूमि से जो है यहाँ पर कोई एक पतंग उड़ रही है, क्या कर रही है कोई एक पतंग। थोड़ा सा हम लोग पतंग बना लेते हैं प्यारे बच्चों तब देखते हैं। तो गाइज अब देखते हैं प्रश्न नंबर पांच आपसे क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ये आपका पतंग है प्यारे बच्चों, ये जो कि भूमि है, भूमि से इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, यानी ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। आगे कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, मतलब एक भूमि के एक बिंदु से ये पतंग में लगी हुई जो डोरी है उसको हम लोगों ने बांध दिया है। आगे करा और भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में किसी भी प्रकार का कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी पूर्ण रूप से तनी हुई है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी प्यारे बच्चों। तो बहुत आसान सा सवाल है, मान लेते हैं भाई डोरी की जो लंबाई है वो एक्स है, माना तनी हुई डोरी की लंबाई, माना तनी हुई डोरी की लंबाई एक्स है, डोरी की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों एक्स है, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए तनी हुई डोरी की जब लंबाई एक्स है तो ये कोण के सामने वाली भुजा कड़ कहलाती, ये वाली लंब होगी, लंब और कड़ किस में आता है साइन में, तो साइन यहाँ 60 क्योंकि थीटा 60 है, लंब बटे कड़, लंब कौन है आपका बी सी है और कर्ण कौन है प्यारे बच्चों ए बी है, वैल्यू रखते हैं साइन 60 की वैल्यू कर्णी में 3/2 होता है और बी सी की वैल्यू प्यारे बच्चों 60 और ए बी की वैल्यू एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अंडर रूट 3 का गुणा x से करेंगे तो अंडर रूट 3x, 60 दूनी 120, इनको हम इधर कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 120 बटे कड़ी में 3, परमेयीकरण करेंगे तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से भाग, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी वो देखिए प्यारे बच्चों x बराबर आ जाएगा 120 का गुणा कड़ी 3 में करेंगे तो 120 कड़ी में 3, इनका गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 × 3 = 40, 3 × 120 एक्स की वैल्यू आ गई 40 कड़ी में 3 मीटर, यानी जो तनी हुई डोरी की जो लंबाई थी प्यारे बच्चों वो 40 कड़ी में 3 आया। इस प्रकार आपका पांचवा सवाल और चौथा दोनों कंप्लीट होता है। अब हम बातें करने वाले प्रश्न नंबर 6 की, गाइज आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कर रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सबसे पहले हम इतना तैयार कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ये मान लेते हैं कि 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है और ये कोई भवन है, ये कोई क्या है भवन है, अब भवन की भी ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर, यानी प्यारे बच्चों जो भवन की ऊंचाई है वो 30 मीटर है और 30 मीटर ऊंचाई वाले भवन से ये 1.5 मीटर का लड़का कुछ दूर पे खड़ा है, वो दूरी मैं मान लेता हूँ प्यारे बच्चों x है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, अगर नाम देना चाहे तो लड़के की लंबाई a और b और भवन की लंबाई c और d दिखा दिए, ऊंचाई लंबाई नहीं ऊंचाई। आगे क्या करा प्यारे बच्चों, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है प्यारे बच्चों, यानी इसका आंख तो यहां होगा मानो का, तो हम क्या कर लेते हैं कि अब ये लड़का जो है प्यारे बच्चों वो क्या कर रहे हैं कि प्रश्नानुसार ये जो लड़का है
जो ये लड़का है वो भवन की तरफ कुछ दूर जाता है, तो जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 रहता है। पहले जब यहाँ है तो शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। परंतु जब ये लड़का कुछ दूर चला जाता है, प्यारे बच्चों मान लेते हैं वो जो दूरी है वो वाई है, मान लेते हैं वो दूरी क्या है, वाई है, भवन से वो वाई मीटर चलता है और शिखर का जो उन्नयन कोण है प्यारे बच्चों वो 30 के बजाय क्या हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, 60 अंश हो जाता है। यानी आप देखिए, यानी जैसे ही वो भवन की तरफ चलेगा तो जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, 60 अंश का हो जाता है। ठीक, अब आगे क्या करा है, तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चला, तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चला है, ये आपको ज्ञात करना है बच्चों। तो मान लेते हैं कि वो भवन की ओर कितना दूरी चला है, वाई मीटर की दूरी चला है। मान लेते हैं कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चला है, वाई मीटर। तो माना लड़के के द्वारा भवन की ओर, किसकी ओर, भवन की ओर चली गई दूरी कितनी हुई, वाई है। ठीक, ध्यान से देखिएगा एकदम आसान तरीके से। प्यारे बच्चों पूरे भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, अब लड़का 1.5 मीटर है, तो ये 1.5 मीटर ऊंचाई तो कम होगा ना, क्योंकि लड़का यहां से देख रहा है ना कि यहां से देख रहा है, उन्नयन कोण आपका यहां से बन रहा है। तो भैया 30 में से 1.5 मीटर कम हो जाएगा, क्योंकि ये 1.5 और हम लोगों को जरूरत इतनी सी है, यहां से लेके यहां तक की जरूरत है इतनी ऊंचाई, तो 30 में से 1.5 कम कर देंगे। तो 30 में से जब 1.5 कम करेंगे तो प्यारे बच्चों 28.5 आएगा, कितना आएगा, 28.5, समझिए जरा सा, यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है वो 28.5 आ जाएगा। बात समझिए कैसे भाई, 30 में से 1.5 मीटर तो कम हो जाएगा, लड़का का आंख यहां नहीं है, लड़का का आंख यहां है, यहां से देख रहा है, इसलिए 28.5 हो जाए। अब जो हमको दूरी ज्ञात करनी है उसको अगर रफली समझे ना, तो बिल्कुल आसान तरीके से ये समझ सकते हैं कि अगर मुझे यहां से लेके इतनी दूरी पता चल जाए और साथ में यहां से लेके इतनी दूरी, टोटल दूरी में से अगर इतनी दूरी घटा दे तो मुझे ये मान मिल जाएगा, समझ रहे ना। तो बिल्कुल वही फंडा यहां पर अपनाएंगे। चलिए तो बात करेंगे सबसे पहले त्रिभुज BDF में, ध्यान से लिखिए, तो BDF में टोटल दूरी यहां से लेके यहां तक x है। ठीक, अब ध्यान से लिखिए, टोटल दूरी x है, तो भैया BDF में आपको यहां लंब पता है, आधार पता, लंब और आधार किस में आता है, टेन में, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, और लंब कितना है प्यारे बच्चों, लंब यहां है DF और आधार कितना है BF या FB। ठीक, वैल्यू रख दे तो DF की वैल्यू कितनी है, 28.5 और FB की वैल्यू x है, यहां से यहां तक x है, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 है, तो भैया यहाँ टेन 30 हो जाएगा बराबर 28.5 बटे x, इसका मान 1/3 होता है और इसका मान 28.5 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x की वैल्यू 28.5 3 आ जाएगा, यानी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी थी, जहाँ लड़का खड़ा था और जहाँ भवन था उनके बीच की दूरी 28.5 3 मीटर है। परंतु मुझे पता करना वो कितना दूरी चला था, उसके लिए सबसे पहले अब जो चल कर कुछ दूर आया था, त्रिभुज DEF में ध्यान से देखिएगा, जो अब आपको लंब पता है और यहाँ पर आधार नहीं पता है, लंब और आधार किस में आता है प्यारे बच्चों, टेन में, तो टेन 60 हो जाएगा, यहाँ टेन 60 बराबर लंब, लंब कौन है आपका DF है, कौन है DF है, और आधार कौन है EF है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अब केवल वैल्यू रखते हैं, टेन 60 अंश का मान प्यारे बच्चों कड़ी में 3 होता है, DF की वैल्यू कितनी है भैया, 28.5 है,
और ई एफ की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ई एफ की वैल्यू आ जाएगी आपको 28.5 बटे कर्ड़ी में कितना है 3। ठीक, बात समझिए जरा सा। अब हम क्या करते हैं भैया, परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण तो हर में जो है उसी से गुणा उसी से भाग, तो जैसे ही करेंगे तो इनका गुणा करेंगे तो 28.5 कर्ड़ी में 3 हो जाएगा और इनका गुणा इनसे कर देंगे 3 आ जाएगा। चलिए भाग देते हैं, 3 × 9 = 27, 1 बचा 3 और 3 = 15, मतलब 9.5 आएगा। यानी कहने का मतलब है ई एफ का मान 9.5 कर्ड़ी में 3 आया। समझ रहे हैं आप, जरा सा देखिए प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको मिली ई एफ की वैल्यू यहाँ से इस त्रिभुज को हल करने पर। अब हमको ई एफ नहीं ज्ञात करना, मुझे वाई ज्ञात करना, भवन की तरफ लड़के द्वारा चली गई दूरी, तो वही निकाल रहे हैं। चलिए अब भवन की तरफ लड़के के द्वारा चली गई दूरी। तो भैया चली गई दूरी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, चली गई दूरी y है, जो कि y हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बी एफ यानी x माइनस ई एफ कर देते हैं यानी आप समझ पाए, x में से ई एफ घटा दे तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए x की वैल्यू आई है 28.5 कड़ी में 3 माइनस ई एफ। ई एफ की वैल्यू कितनी है, 9.5 कड़ी में 3। अब आप कैसे घटाएंगे, कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, कड़ी 3 कामन ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा आपके पास, 28.5 माइनस 9.5 घटा दीजिए, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर यहाँ 18 में से 9 घटाएंगे 9 और यहाँ 1 बच जाएगा, 19.0, मतलब मिला जुला के 19 कड़ी में 3। वो लड़का भवन की तरफ कितना मीटर चला था प्यारे बच्चों, 19 कर्णी में 3 मीटर। कर्णी 3 की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो इस प्रकार आपका छठा प्रश्न जो है कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। यानी वो जो लड़का है वो भवन की तरफ 19√3 मीटर चला है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई प्यारे बच्चों, अगर कहीं कोई डाउट हो कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, और हर एक बच्चों का हर एक स्टूडेंट का ध्यान रखा जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन। यानी ये ध्यान से देखिए, ये 20 मीटर कोई ऊंचा भवन है प्यारे बच्चों, चित्र मैंने पहले से बना लिया। आगे क्या कर रहा है, जिसके शिखर पे लगी एक संचार मीनार, ये कोई इसके शिखर पे लगी एक संचार मीनार है प्यारे बच्चों। उसके बाद कर रहा है, शिखर के संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। ध्यान दीजिए, कर रहा तल और शिखर, पहले तल की बात कर रहा, तो तल की बात कर रहा है भाई, तल के साथ 45 अंश का उन्नयन कोण है और शिखर के साथ जो है 60 अंश का उन्नयन कोण है, यही चीज कर रहा है बस। तो आगे क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना प्यारे बच्चों, अर्थात ये चीज आपको ज्ञात करना, ये वाली वैल्यू मीनार की ऊंचाई। ठीक, समझे, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, एक बार सवाल फिर से समझ लो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे लगी एक संचार मीनार के तल से शिखर का उन्नयन कोण 45 और संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, तो मीनार की ऊंचाई याद करना। तो सवाल बहुत सरल है प्यारे बच्चों, माना मीनार की जो ऊंचाई है वो h है। ध्यान से देखिए, मीनार की ऊंचाई h हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात आपको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं भाई, मीनार की ऊंचाई तो h कर लिए, इतना क्लियर हो गया,
अब हमको चाहिए क्या, ये यच कैसे ज्ञात होगा, सोचिए ये यच कैसे ज्ञात होगा। अगर यच हमको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो हमको त्रिभुज हल करना पड़ेगा। वो कौन सा त्रिभुज है वो ध्यान से देखिए। वो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार ये पूरी त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक हल करना पड़ेगा, फिर एक बार छोटा वाला घटाना हल करना पड़ेगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो हल करते त्रिभुज एच क्यू पी, त्रिभुज एच पी क्यू, ठीक समझ रहे हैं प्यारे। तो त्रिभुज एच पी क्यू, त्रिभुज उससे पहले अगर आप चाह रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो त्रिभुज इसको हल कर लीजिए बी क्यू पी, त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू बी में, देखिए पी क्यू बी में प्यारे बच्चों एंगल 45 का बना है, टेन 45 बराबर लंब बटे आधार, भैया लंब बी क्यू है और आधार कौन है पी क्यू है, टेन 45 अंश का मान 1 और बी क्यू का मान 20 और यहाँ पी क्यू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो पी क्यू बराबर 20 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 20 मीटर है। बात समझ रहे हैं। अब हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिभुज एच क्यू पी में पकड़ लेते हैं, त्रिभुज एच क्यू पी में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लंब है और ये आपको आधार पता है, तो प्यारे बच्चों लंब और आधार किस में आता है टैन में, तो टैन 45 नहीं बल्कि इस बार कौन है 60 है, तो टैन 60 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, टैन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 और लंब, लंब कौन है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 20 प्लस h और आधार, आधार पी क्यू है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 20 है, ठीक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 20 प्लस एच आ जाएगा और 20 का गुणा कड़ी में 3 में कर दे तो कड़ी 3 आ जाएगा, 20 को इधर कर दे तो प्लस 20 उधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो भाई माइनस 20 हो जाएगा, तो 20 कड़ी में 3 माइनस कितना हो जाएगा 20, दोनों में कॉमन क्या है प्यारे बच्चों 20 कॉमन है तो बच जाएगा कड़ी में 3, वहाँ 1 बच जाएगा, तो ये एच की वैल्यू आ गई, यानी मीनार की जो ऊंचाई है वो 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर आएगा। इस प्रकार आपका सातवां नंबर भी क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 की, आठवां नंबर क्या कर रहा है वो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, आइए हम उसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आठवां प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, तो मान लेते हैं कि भैया यहाँ से लेके ये टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेडस्टल है, पेडस्टल का मतलब होता है कोई ईंट की दीवार का बना है प्यारे बच्चों, ये कोई पेडस्टल हो गया। अगर आपको इसको डिजाइन नुमा बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, आपके पास अगर टाइम हो तो आप बना सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको ना? अब पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर कोई ऊंची मूर्ति है, अब किसकी मूर्ति है प्यारे बच्चों वो हमसे नहीं पता है, परंतु ये पता है कि भैया ये 1.6 मीटर कोई ऊंची मूर्ति है पेडेस्टल के ऊपर, समझिए जरा सा। अगर नाम दे, यहां बी नाम दे, यहां ए नाम दे और यहां सी नाम दे, ठीक आगे क्या करा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु है, इनका नाम दे देते हैं डी, और यहाँ से देखने पर, भूमि के एक बिंदु से देखने पर जो वो बिंदु क्या है डी है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है प्यारे बच्चों वो कितना है वो ध्यान से देखिए, तो शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है। आगे क्या कर रहा भाई साहब, यदि मीनार सॉरी और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब ये पेडेस्टल, ये है पेडेस्टल, तो पेडेस्टल के शिखर से देखने पर, यहां पेडेस्टल का शिखर है, जहां मूर्ति का पाद बिंदु है वो पेडेस्टल का शिखर होगा, वहां से शिखर का उन्नयन कोण कितना है भैया, शिखर का उन्नयन कोण वहां से है 45 अंश, कितना है प्यारे बच्चों 45 अंश। अब आपसे कह रहा पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए,
तो आराम से हम लोग पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई जो है वो एच है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी एच है, माना पेडेस्टल की ऊंचाई एच, ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों एच है, ठीक। पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है एच है, मान लेते हैं। अब हमको वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हमको वो वाला त्रिभुज हल करना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक का, ठीक। इस बात को ध्यान दीजिएगा, या हम कह दें मान लेते हैं इस बिंदु की जो दूरी है वो एक्स है ना। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको एक्स ज्ञात करना पड़ेगा तभी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज हल करते हैं, त्रिभुज ए डी बी, एक बार त्रिभुज ए डी बी में, ए बी डी में हुआ एक ही। अब ए बी डी में एंगल कौन है भाई, 45 है, टेन 45 बराबर लंब, लंब कौन है ए बी है, और आधार कौन है बी डी है। लंब की वैल्यू है एच और इसकी वैल्यू है एक्स। अब इसकी वैल्यू एक होता है एच बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो भाई एच बराबर एक्स, समीकरण नंबर एक। ये बहुत काम देगा, एच बराबर एक्स यानी इतनी ऊंचाई इसके बराबर है। अब हम हल करेंगे त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में फिर से वही टैन क्या लेंगे इस बार, एक मिनट गाइस, ठीक। हाँ इस बार कौन सा एंगल लेंगे, टैन 60 जो कि यहां से लेके यहां तक एंगल है। टेन 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब इस बार कौन है बीसी है, पूरा टोटल बीसी, और आधार कौन है वही बीडी है, और इसका मान कड़ी में 3 होता है। बीसी की वैल्यू है प्यारे बच्चों 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच, और बीडी, बीडी कितना है प्यारे बच्चों एक्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा, मीनार देखिए इधर देखिए, तो 1.6 प्लस एच आएगा, इसका गुणा एक से हुआ, इनका गुणा हम कर दे तो अंडर रूट 3 एक्स आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अब एक्स के स्थान पे हम एच रख सकते हैं समीकरण एक से, तो एक्स बराबर एच समीकरण एक से, ठीक। ध्यान से देखिए, तो हम यहां रख दे 1.6 प्लस एच, यहां अंडर रूट 3 एक्स के स्थान पे एच रख दिए, ठीक। एच वाला पक्ष उधर कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो प्लस एच उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, ठीक। अब यहां से देखिए दोनों में एच कॉमन है तो यहां आ जाएगा अंडर रूट 3, एक में अंडर रूट 3 यहां माइनस 1, ठीक। अब ये आ गया 1.6, इधर गुणा में है तो इधर आएंगे तो भाग में होंगे, तो 1.6 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर एच। देखिए अंडर रूट 3 माइनस 1 आया तो अंडर रूट में है, तो इनको हम हटाएंगे तो परमेयीकरण करेंगे। तो मैंने बोला था जो चीज हर में है उसी का गुणा उसी का भाग, परंतु ध्यान देना चिन्ह आ गया है, तो माइनस आया तो माइनस का उल्टा कर देंगे प्लस हो जाएगा, यानी 1.6 गुणे अंडर रूट 3 प्लस 1, और वही अंडर रूट 3 माइनस 1 आपका पहले से है, और गुणा करेंगे अंडर रूट 3 प्लस 1 से बराबर एच। अब इधर ध्यान से इनका गुणा करें तो वही आ जाएगा 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1, और यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के स्थान पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा और बी के स्थान पे 1 का स्क्वायर होगा बराबर एच, ठीक। अब ऊपर आया है 1.6 कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस 1 है, यहाँ अंडर रूट 3 कवर करोगे 3, 1 कवर करोगे 1 बराबर एच। आइए यहाँ पर देख लेते थोड़ी सी, अब देखिए 3 में से 1 घटाओगे आप 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो एच इक्वल टू आ जाएगा 1.6 अंडर रूट 3 माइनस 1, और यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक। 2 8 16 0.8, तो h की वैल्यू 0.8 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, यानी गाइज ये जो ऊंचाई है पेडेस्टल की जो ऊंचाई है वो कितना है 0.8 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। इस प्रकार आपका 8वां सवाल भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ये रहा आपका 7वां प्रश्न, आप दोनों प्रश्न का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा गाइज। आई होप कि आपको आज की क्लास में जितनी सवालें हमने बताया होगा सभी सवालें आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने कहा था कि पूरा क्लास एक ही क्लास में समाप्त कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों,
परंतु क्लास काफ़ी लंबे हो जाने की वजह से हम लोग जो जो बचे हुए सवाल हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए, इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप सभी अपने दोस्तों के पास इन वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।